हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा एवरीडे सटल सॉफ्ट सा मेकअप शेयर कर रही हूँ, जो आप कहीं भी करके जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिप पर जा रही थी तो मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। सबसे पहले आपका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके फेस पे ऑयल नहीं होना चाहिए, मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने अच्छे से फेस क्लीन कर लेना है। मैं यहाँ पे लेंजेस अप्लाई कर रही हूँ और धाप के लेंजेस अप्लाई किए हैं। ये है जी बहुत ही खूबसूरत शेड टेफनी ब्लू, जो कि ब्लू शेड देता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लुक देता है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सन ब्लॉक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे लश ऑर्गेनिक्स का सन ब्लॉक SPF 60 आई गेस इसमें अवेलेबल है, या SPF 50 अवेलेबल है। ये जेल फॉर्म में है, आपको 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा इंस्टाग्राम के पेज से। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसकी कोई भी आपके फेस पे ना हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लाइक बिल्कुल पता नहीं चलता आपने फेस पे कुछ अप्लाई किया हुआ। बहुत ज़्यादा आपके फेस पे ये लाइट फील होता है और बहुत ज़्यादा मतलब शाइन भी प्रोवाइड करता है। और मज़े की बात ये कि इसकी कोई वाइट कास्ट वगैरह नहीं है, और समर है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने कोई भी ऐसा सनब्लॉक अप्लाई नहीं करना जो वाइट कास्ट छोड़े या कोई क्रीमी फॉर्म में हो। आपने इस तरह का जेल फॉर्म वाला ही प्राइमर यूज़ करना है, सॉरी सनब्लॉक यूज़ करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके ओपन पोर्स हैं या आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो आपने प्राइमर अप्लाई करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं ट्रिप पर जा रही हूँ, मुझे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, तो मैंने प्राइमर अप्लाई किया है ताकि मेरा मेकअप जो है वो ज़्यादा देर तक स्टे करे और काफ़ी अच्छी जो है ना मेरे लुक आए। तो इसके बाद हम कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। जब भी आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए या आप बहुत ज़्यादा गर्मी में मेकअप कर रहे हैं तो आपने कभी भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी। फाउंडेशन अगर आप अप्लाई करते हैं या कोई भी बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं तो उसकी बहुत ही मिनिमम सी क्वांटिटी आपने अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये मिस रोज़ का कंसीलर है, जहाँ पे मुझे नीड है मैंने सिर्फ वहाँ पे अप्लाई किया है, अंडर आइज़ पे और मेरी चिन पे, मेरी जो लाइन पे लाइट लाइट्स है, जहाँ पे ब्लेमिशेज हैं या स्पॉट्स वगैरह, मैंने सिर्फ वहाँ पे अप्लाई किया और फोरहेड पे अप्लाई किया है। और इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, इसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक आए। अगर आप फाउंडेशन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बहुत ही लाइट वेट से फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, बीबी क्रीम अप्लाई करेंगे, देन उसके ऊपर आपने कंसीलर अप्लाई नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा हैवी लुक आएगी। मैंने ये ट्रिप पर मेकअप किया था, मैंने शावर भी लिया वहाँ पे, हम पूल में गए थे, और आप यकीन करें कि मेरा मेकअप जो है ना बिल्कुल भी नहीं उतरा। लाइक मैं इतना नहाई भी हूँ वहाँ पर और बहुत इंजॉय किया हमने। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो मैंने व्लॉग अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, व्लॉगिंग चैनल पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं मेरी व्लॉगिंग तो आप वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अच्छे से मैंने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया था कंसीलर, नेक को हमने नहीं भूलना। इसके बाद ये है जी क्रिस्टीन का पैनकेक 2-in-1। ये काम करता है, जब भी आप समर में मेकअप कर रहे हैं आप कोई भी लाइट वेट पैनकेक यूज़ कर सकते हैं, जो एज अ फेस पाउडर भी काम करे और एज अ पैनकेक भी काम करे, वेट भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहती हूँ और इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पैनकेक जो है वो चूज़ किया है और अच्छे से डैप डैप करते हुए पूरे फेस पे अप्लाई करूँ। एक तो इसे हल्की सी कवरेज भी आ जाएगी और ये मेकअप जो है लॉन्ग लास्ट करेगा, मेरे जो कंसीलर अप्लाई किया ना उसको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा। अगर इसकी जगह मैं कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करती तो इतनी ज़्यादा ये मुझे लॉन्ग लास्टिंग बेस नहीं देनी थी इसने, इसलिए मैंने यहाँ पर पैनकेक का यूज़ किया है। आइवरी गोल्ड शेड है और ये मेरा यहाँ पर यूज़ करने के बाद टूट भी चुका गिर के। देन मैं यहाँ पर रिमल का ये बहुत ही खूबसूरत सा 3-in-1 ब्लश है, इसमें बहुत ही खूबसूरत सा पीच कोरल काइंड ऑफ शेड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अगर मुझे इसका नंबर याद हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छे से मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, थोड़ी सी शीन भी आती है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर देता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब समर में ये बहुत मज़े का कलर लगता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, आपके पास कोई भी अल्टरनेट इसका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा कोरल पीची सा कलर है, पूरे हमने चीक्स अप्लाई कर लिया, हम कोई भी कंटूर नहीं करे। ब्लश जो है सन किस अप्लाई करी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमने सन में पूल पार्टी करनी
करनी है। तो अच्छे से हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था तो जो ब्यूटी ब्लेंडर था उसके साथ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर मिस रोज़ की ये न्यूड पैलेट है ये ले रही हूँ। इस तरह की पैलेट आपके पास होनी ज़रूर चाहिए अगर आप डेली मेकअप करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा शैम्पियन सा कलर था, मैंने वो अपनी लिड पे आई लिड पे अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ फिंगर, मैंने कुछ भी ज़्यादा अप्लाई नहीं किया। और एक डार्क कलर लिया, ब्राउन सा कलर था ये, डार्क ब्राउन मरूनिश कलर, और यहाँ पर मैंने लोअर लैश पे अप्लाई किया है एंड दैट्स इट। इतना सा हमने आई मेकअप करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद आईब्रोज भी मैंने बिल्कुल ना होने के बराबर बनाई थी, सिर्फ मैंने इसको कॉम किया है। देन हल्का सा ब्राउन कलर लेके पूरी आईब्रोज पे ना मैंने ब्लेंड कर दिया था कि पता ही ना चले कि कुछ अप्लाई भी किया हुआ है और हल्की सी शेप भी आ जाए। सिर्फ इतना सा काम करना है, इससे ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करना। खास तौर पे डे टाइम में तो आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, और स्पूले के साथ अगेन जो है ना प्रोडक्ट को अच्छे से स्प्रेड कर देना है ताकि ज़्यादा ओवर ना लगे और जो भी एक्सेस है ना वो हाइड हो जाए। इसके बाद ये बॉब का मस्कारा है, बहुत ही मज़े का मस्कारा है, बहुत 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 मज़े का मस्कारा। लाइक मैं ट्रिप से होकर भी आ गई थी लेकिन मेरा मस्कारा बिल्कुल भी नहीं उतरा, मुझे खुद उतारना पड़ा है। और मैं पूल में इतना नहाई हूँ और उसके बावजूद जो मेरा ये मस्कारा है ना इधर से उधर भी नहीं हुआ, इसने मेरी आंखें काली नहीं की, उतरा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लाइक मज़े का अमेजिंग किस्म का मस्कारा है, लास्ट में ट्राई करना। हल्का सा मैंने अपनी आईज़ को जो है ना ऐसे पुल करके और फिर मस्कारा अप्लाई किया था, बहुत अच्छा मस्कारा लगता है। इस तरह से शेप थोड़ी सी डिफरेंट आती है आपकी आँख की, लाइक बिल्कुल एक बहुत मज़े की एक लॉन्ग सी ना बहुत ही मज़े की लुक आती है। तो इस तरह से मस्कारा लाजमी ट्राई कीजिएगा, मस्कारा भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बॉब के मस्कारे सारे बहुत अच्छे होते हैं। सेवन कून का हाइलाइटर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा हाइलाइटर आपने डे टाइम में अप्लाई नहीं करना, मैंने यहाँ पर एप्पल ऑफ चीक पर भी अप्लाई कर लिया था लेकिन आपने नहीं करना, वरना बाद में जब मॉइस्चराइज़र फेस पे आ जाता है ऑयल प्रोड्यूस होता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो आपने सिर्फ यहाँ पर आपने चीक के ऊपर हाई बोन्स जो होती है ना सिर्फ आपने वहाँ पर अप्लाई करना है, पूरे फेस पे भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिप ऑफ दी नोज पे अप्लाई कर लें एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना वरना आप दूर से चमचमाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। इसके बाद मैं यहाँ पे न्यू लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये है जी लिप पेंसिल हॉलीवुड, बहुत खूबसूरत न्यूड शेड है ये, बहुत खूबसूरत, इसका नाम भी न्यूड है। तो मैंने पूरे लिप्स पे पहले अप्लाई कर ली थी, लिप लाइन मैंने यहाँ पर जनाब की है, इसके बाद मैंने अप्लाई कर ली थी और इसके अंदर मैंने जो है ना ओम्ब्रे लिप्स बनाई, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं टाइम में, ऑल टाइम फेवरेट है मेरे। तो मैंने यहाँ पर आशी कलर की जो है ना बिल्कुल हॉट पिंक कलर वो सिर्फ अपने लिप्स के अंदर अंदर अप्लाई किया था एंड डेट्स इट। अच्छे से इसको हमने इस तरह से मैम करके ब्लेंड कर लेना है एंड डेट्स इट। इसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे मेकअप फिक्सर और हमारा जो मेकअप है वो हो चुका है एंड आई एम रेडी टू गो। जितनी भी वीडियो थी वो मैंने बना ली क्योंकि मैं लेट हो रही थी, जल्दी में हमने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको ये लुक अच्छी लगी होगी, आप किसी भी डे में ये करके जा सकते हो, लाइक डेली वेयर में आप इस तरह का मेकअप कर सकते हैं, ना तो आपकी स्किन को हार्मफुल होगा ना ही ओवर लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, नए हैं तो लाजमी शेयर कीजिएगा आगे भी, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।